हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। कुछ टाइम पहले, अभी जस्ट एक आध इसी महीने की बात है, लेटिन एनसीएपी ने महिंद्रा बोलेरो का क्रैश टेस्ट किया। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उनको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि महिंद्रा बोलेरो ने लेटिन एनसीएपी क्रैश टेस्ट में ज़ीरो स्कोर रेटिंग किया है। यस, ज़ीरो। लेटिन एनसीएपी का नाम अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है, जब से लेटिन एनसीएपी में मारुति स्विफ्ट और सुजुकी बेलेनो, इनका क्रैश टेस्ट जब हुआ, उन्होंने जब से ज़ीरो रेटिंग किया है, तब से लेटिन एनसीएपी का नाम इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों में फैल गया है, सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूं कि जिन गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग ग्लोबल एनसीएपी में अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है, अच्छी रेटिंग, वो जो गाड़ियां अच्छी रेटिंग पा लेती हैं, वही गाड़ियां लेटिन एनसीएपी में ज़ीरो रेटिंग क्यों कर रही हैं। और चलिए, मारुति स्विफ्ट और बेलेनो की बात अलग कर देते हैं, अलग इन द सेंस कि इनकी बिल्ड क्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। और इनके साथ साथ कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी इंडिया में क्रैश टेस्ट रेटिंग और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी लेटिन एनसीएपी में जाने के बाद वो गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ीरो रेटिंग पा रही हैं। तो सिर्फ सुजुकी स्विफ्ट, सिर्फ स्विफ्ट या फिर बेलेनो, बेलेनो ही नहीं, महिंद्रा की बोलेरो और हुंडई वेरना, और जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मानी जाती है फोर्ड की गाड़ी, फोर्ड एस्पायर, ये कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती हैं। खैर, फोर्ड तो अब बंद हो चुकी है, बट ये गाड़ियां जो है वो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये गाड़ियां ग्लोबल एनसीएपी में बहुत अच्छा रेटिंग पा रही हैं, लेकिन लेटिन एनसीएपी में जाने के बाद इनकी रेटिंग जो है वो क्रैश टेस्ट रेटिंग जो है वो ज़ीरो हो जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटिन एनसीएपी की। लेटिन एनसीएपी जो क्रैश टेस्ट अपनी गाड़ियों की रेटिंग करता है, किसी भी गाड़ियों की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग करता है, उसमें उसका जो पैरामीटर्स जो सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं, और हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को उसमें मेज़रमेंट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए सेफ्टी पर्पस है, तो हर गाड़ियों में सेफ्टी के सारे जो तमाम फीचर्स जो होते हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना कि उन फीचर्स का होना ज़रूरी है, उनका उन्हीं बेहतरीन तरीके से उनका काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब कोई गाड़ी लेटिन एनसीएपी में जाके 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार पाती है या फिर पा सकती है। अभी बहुत कम गाड़ियाँ हैं, सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ हैं, जिसमें कि एक वॉक्सवैगन की एक गाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा अराउंड 4 to 5 क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है लेटिन एनसीएपी में उसको, और उसका नाम है, गाड़ी का नाम अभी नीचे आ रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन बेसिकली होता क्या है, ये सारे जो फीचर्स जो हैं वो किसी भी गाड़ी के एक टॉप मॉडल में ही पाए जाते हैं, और ग्लोबल एनसीएपी में भी और लेटिन एनसीएपी में भी जो गाड़ियाँ मारुति ने भेजी, हुंडई वेरना ने भेजी, फोर्ड ने भेजी है, वो बाकी जो तमाम गाड़ियां हैं अराउंड 14 के आसपास क्रैश टेस्ट रेटिंग हुई है, जिसमें से 11 को 0 स्टार मिले हुए हैं। तो मैक्सिमम गाड़ियां जो हैं वो जो भेजी गई हैं वो बेस मॉडल भेजे गए हैं। बेस मॉडल में सिर्फ बेस जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, सिर्फ 2 एयरबैग्स और ज़्यादा से ज़्यादा ABS पाया जाता है, ABS मिलता है, और वही गाड़ियाँ जो है वो क्रैश टेस्ट रेटिंग के लिए भेजी जाती हैं। और यही एक मेन रीज़न है ग्लोबल एनसीए में ये गाड़ियाँ अच्छा क्रैश टेस्ट रेटिंग जो पा लेती हैं, लेकिन लेटिन एनसीएपी में जाने के बाद ये गाड़ियाँ 0 स्टार पा रही हैं। अगर अच्छी बिल्ड क्वालिटी, महिंद्रा बोलेरो की बात कर लेते हैं या फिर फोर्ड एस्पायर की बात कर लेते हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती मानी जाती है, इन्हीं गाड़ियों का अगर टॉप मॉडल जिनमें तमाम तरह के सेफ्टी फीचर्स फुल्ली लोडेड सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग में भेजे जाए, लेटिन एनसीएपी में भेजे जाए, तो डेफिनेटली ये गाड़ियां जो है वो
दो या तीन, तीन तो नहीं बोलूंगा, एक दो तीन के बीच में ही ये स्टार जो है वो रेटिंग करेंगे, लेटिन एमपीए में क्रेशर्स रेटिंग पाएंगे। जीरो तो कतई नहीं पाएंगे क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छी हैं, बट रीज़न वही है लेटिन एनसीएपी का जीरो क्रेशर्स रेटिंग आने का, कि बेस मॉडल भेजा जाता है और बेस मॉडल में जो सेफ्टी फीचर्स के नाम पर सिर्फ दो ही चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, एक तो टू एयरबैग्स और ज़्यादा से ज़्यादा ABS दिया जाता है, उससे उसके अलावा बेस मॉडल में और कोई सेफ्टी फीचर्स के नाम पे सारी चीज़ें नहीं रहती हैं जो फीचर्स आते हैं सेफ्टी फीचर्स के। तो मेन रीज़न यही है। और पिछले कुछ टाइम में जब सुजुकी स्विफ्ट और बेलेनो का क्रैश टेस्ट हुआ था लेटिन एनसीएपी में जीरो क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली थी, तब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था मारुति सुजुकी की गाड़ियों को, उसकी बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी बुरा बोला गया था। तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को बुरा बोलने से पहले उसके पीछे का एक रिसर्च कर लेना चाहिए, या फिर कुछ रीजंस जो हैं वो क्यों जीरो रेटिंग मिला है वो पता कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ बोलना चाहिए। तो होप ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा यूज़फुल लगा होगा, और जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि जीरो रेटिंग क्यों पा रही हैं, अगर वो आपको क्लियर हो गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और कार्स के रिव्यूज़ के वीडियो बनाता हूँ, अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट के वीडियोस बनाता हूँ। तो इन्हीं तमाम तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बनिए रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ज़्यादा जाते जाते बस मैं इतने ही बोलूँगा, वियर सीट बेल्ट एंड ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब, एंथुजियास्टिक राइडर।